चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे रुक कर रहे हैं खबर की ओर। करीना हादसे में पुलिस का एक्शन भी जारी है, एक्शन मोड में है पुलिस। स्कूल की 11 बसों को चेक किया गया, 7 अनफिट बसों को इंपाउंड किया गया है। करीना हादसे में पुलिस का एक्शन जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, स्कूल की 11 बसों को चेक किया गया है, 7 अनफिट बसों को इंपाउंड भी किया गया है। बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं। करीना हादसे के बाद देखिए प्रशासन भी लगातार एक्टिव मोड में है, और इस बीच आपको यह भी बता दें कि करीना हादसे में पुलिस का यह बड़ा एक्शन जो है वो सामने आया है, जहां पर स्कूल की 11 बसों को चेक किया गया है। 11 बसें चेक हुई हैं, जिनमें से 7 अनफिट बसों को इंपाउंड भी कर दिया गया है। यह बड़ी जानकारी करीना हादसे से जुड़ी आपको दे रहे हैं, जिसके बाद स्कूल की 11 बसों को चेक किया गया है। 6 मासूमों की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आ गया और आरटीए विभाग की टीम ने जीएल स्कूल की 11 बसों का रिकॉर्ड खंगाला और उसमें से 7 बसें ऐसी मिली जिनका आज से 5 वर्ष पूर्व ही वैधता खत्म हो चुकी, लेकिन कभी भी प्रशासन ने उनको चेक करने की जहमत नहीं उठाई। अब प्रशासन के द्वारा जीएल स्कूल की बसों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और उसमें जीएल स्कूल की करीब 18 बसें बताई गई हैं, जिसमें से 11 बसों को इंपाउंड करके थाने में खड़ा कर दिया गया है। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तान।